2024 में दो तरीके ऐसे हैं जो आप वेरिफिकेशन बैच नहीं ले पाओगे। 2024 में एक मिनट के अंदर अगर आप अपने YouTube चैनल पे वेरिफिकेशन बैच लेना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा ये चैनल आप देख सकते हो टैग इसरार, इस पे कोई भी वेरिफिकेशन बैच नहीं है। सिर्फ एक मिनट के अंदर आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन बैच मिल गया है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2024 में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर के बाद में भी आप अपना वेरिफिकेशन बैच ले सकते हैं। बिल्कुल बात सच है, 1000 नहीं, आप 200-300 सब्सक्राइबर पर भी ले सकते हैं, बट उसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। बट उससे पहले एक बात जरूर से बोलना चाहूंगा, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस चैनल पे हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। हमारा दोस्तों ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टैग इसरार। एक्चुअली में हमने क्या किया, इस चैनल का हमने नाम चेंज किया। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे इस टाइम वेरिफिकेशन बैच है, बट ये है नहीं, क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया टेक्निकल इसरार से टैग इसरार। और जब आप किसी भी वेरीफाइड चैनल को आप नाम चेंज करोगे तो ऐसे में दोस्तों आपका वेरिफिकेशन बैच जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो मान लिया जाए अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो उसके 8 दिन के बाद में आप आराम से वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 1,00,000 क्या, हमारे तो 3,51,000 सब्सक्राइबर है। अब हम वेरिफिकेशन बैच करने वाले हैं, सही प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चैनल वेरिफिकेशन बैच ये आपको अपने गूगल क्रोम में डालना पड़ेगा। पहले ही लिंक मिलेगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। वैसे ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी आराम से वेरीफाइड कर सकते हैं। पहले मैं आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर के लिए कैसे वेरिफिकेशन बैच मिलता है वो बताऊंगा। फिर अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर है, 200 है, 500 है, अगर आप तब भी वेरिफिकेशन करना चाहते हो, वेरिफिकेशन बैच लेना चाहते हो, तो आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे लिखा है वेरिफिकेशन बैच ऑन चैनल। अगर आप अपने वेरिफिकेशन बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे ये चेक कर लेना कि उसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन होने चाहिए जिसपे चैनल बना है, तो हम उससे लॉगिन हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम उसी ईमेल आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। यहां पे क्या लिखा है, अप्लाई फॉर चैनल वेरिफिकेशन। इसमें क्या लिखा है, योर चैनल इज एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन इफ यू सी द चेक मार्क। जब आपका वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा तो आपको इस तरह से आइकन देखने को मिलेगा, और आपको बता दूं कि यहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जब आपके यूट्यूब चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। कई बार आपको ये नहीं दिखाई देता तो उसमें दो गलती हो सकती है। पहला, या तो आपने ईमेल आईडी गलत लॉगिन कर लिया है, दूसरा या फिर अभी आपके YouTube चैनल जो 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए अभी 8 दिन कंप्लीट नहीं हुए। एक्चुअली में ये वेरिफिकेशन अप्लाई नाउ का ऑप्शंस 8 दिन के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे बोल रहा है कि चैनल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है, और ये आपको 1,000 सब्सक्राइबर अगर आपकी रीचिंग है या हो चुके हैं तब आप यहां पे इलेबल कर सकते हो। तो यहां पे चैनल का जो नाम है वो यहां पे हम डालने वाले हैं, तो हम यहां पे डालते हैं टैग इसरार, ठीक है। उसके बाद ये है चैनल आईडी। अब चैनल आईडी आप कहां से लोगे, तो आपको जाना है यूट्यूब की स्टूडियो में, यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद में एक्चुअल में यहां से ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में होता है चैनल आईडी। अगर आपको नहीं पता तो दूसरा तरीका ये है कि सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद चैनल्स में जाइए, यहां पे एडवांस सेटिंग में जाइए, उसके बाद मैनेज यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसके बाद व्यू एडवांस सेटिंग में जाइए, और यहां पे क्या है चैनल आईडी, तो ये आपको क्लिक कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहां पे जाना है और राइट क्लिक करके आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे जाना है। याद रखने वाली बात है कि यहां पे बताया गया आफ्टर यू अप्लाई, अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो वी विल रिव्यू योर चैनल, वी वेरीफाई चैनल दैट्स, ठीक है। ये कह रहा है आर ऑथेंटिकेटेड, योर चैनल इज मस्ट रिप्रेजेंट टू रियल क्रिएटर, आप रियल क्रिएटर होने चाहिए, ब्रांड होने चाहिए, एंटिटी होने चाहिए टू क्लेम टू बी। साथ में बोला है कि वी विल चेक द डिफरेंट फैक्टर टू हेल्प वेरीफाई योर आइडेंटिटी सच एज ए एज ऑफ योर चैनल, वी मे ऑल्सो आस्क फॉर मोर इन्फो और डॉक्यूमेंटेशन, हम आपसे और भी कुछ मांग सकते हैं। साथ ही साथ आर कंप्लीट है, योर चैनल मस्ट बी पब्लिक होना चाहिए, साथ ही साथ हैव इट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके चैनल के साथ, साथ ही साथ चैनल आइकन होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए और बी एक्टिव ऑन यूट्यूब पे होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पे क्या लिखा है, योर ईमेल हैज बीन सेंट, ठीक है। इसने कहा थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द चैनल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, यू विल रिसीव ए कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, ओवर द नेक्स्ट सेवरल वीक्स वी विल टेक लुक एट द इन्फो यू प्रोवाइडेड एंड गेट बैक यू। ये कह रहा है हम आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका ये वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो अब हम ईमेल चेक करते हैं कि हमारा भाई वेरिफिकेशन बैच हमें मिला है या नहीं। कुछ ही देर के बाद में हमारे पास एक ईमेल आता है, लिखा जाता है चैनल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड, लिखा है थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग टू वेरीफाई योर यूट्यूब चैनल, वंस वी रिव्यूड योर एप्लीकेशन, और कह रहे हैं वी विल हेयर बैक फ्रॉम अस विद ए डिसीजन। ये कह रहा है कि अब हम आपके इस चैनल को भाई चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यूट्यूब चैनल हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है या नहीं। तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद में आप देख सकते हो हमारे पास ईमेल आ चुका है कि भाई यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन जो बैच है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, और साथ ही साथ देख सकते हो आप हमारा ये आइकन भी, और यहाँ पे टैग इसरार जो चैनल है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दो तरीके ऐसे हैं जो आप वेरिफिकेशन बैच नहीं ले पाओगे। या तो आप एक रियल कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, आप किसी और की वीडियोस को उठा उठा के डाल रहे हो, और YouTube को लगता है कि आपने डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रखा अपने चैनल का, आपने बैकग्राउंड नहीं लगा रखा। साथ ही साथ दोस्तों वो एज भी चेक करते हैं आपके चैनल की एज क्या है, और यहाँ पे वो ये भी चेक करते हैं कि आप यहाँ पे आइकन वगैरह आपने सही से डाला है या नहीं डाला है। साथ में दोस्तों वो ये भी चेक करते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी से आप लॉगिन हो। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे वह जाते हो और यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शंस नहीं है, इसका मतलब है कि आपने ईमेल आईडी है वो अलग चूज कर लिया है। तो ये बात आपको बड़ा ध्यान देना है। अगर आपके YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर है या उससे कम है, 10,000 है, 20,000, 25,000 है, तब भी आप अपने वेरिफिकेशन बैच ले सकते हो। बट उसके लिए कंडीशंस है, कंडीशंस ये है, यहाँ पे आप जरा देखिए, वेरिफिकेशन चैनल एलिजिबिलिटी, आपके यूट्यूब चैनल पे एटलीस्ट 1,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो कि प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। पर दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, सम टाइम, कई बार ऐसा होता है, यू मे ऑल्सो प्रोएक्टिवली वेरीफाई चैनल विथ फीवर देन, ठीक है, इसका मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर दैट आर वेल नोन आउटसाइड ऑफ ए यूट्यूब। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी है और आपने यूट्यूब चैनल पे अभी अभी आए हो, तो ऐसे में आपके यूट्यूब चैनल के पूरे वो चेक करता है। मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल आपने बना रखा है, आपने सही से कस्टमाइजेशन किया है, सही से उसमें आपने सोशल लिंक ऐड कर रखे है, और सोशल लिंक आपके जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर आपके सारे वेरिफिकेशन बैच आपको मिले हुए हैं, तो इस कंडीशंस में अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर भी हैं, तब भी आपका चैनल वेरीफाइड हो सकता है, हर किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें एक बात और बोली है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बोला है अगर आपका चैनल का नाम यूनिक है और आपका हैंडल बिल्कुल यूनिक है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी हाई क्वालिटी की है और चैनल आपका प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ कस्टमाइजेशन है और लेआउट भी कस्टमाइजेशन है, तभी जाके आपको मिलेगा वेरिफिकेशन बैच, हर किसी को नहीं मिल पाता। तो उम्मीद करता हूँ चैनल वेरिफिकेशन बैच के लिए आपको सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर वाकई में ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।